कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा उजाला वो आ गई हैं मरियम खाला और उनके साथ मोहसिन भी आए अब आए हैं जब सब खत्म हो चुका है एक तो उजलत की शादी बेजोड़ रिश्ता अब बरात है के आने का नाम नहीं ले रही अब ऐसे में लोग बोलेंगे नहीं थूतू नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे जिस शादी पर आप लोगों को एतराज था ना आप लोग सोग मना रहे थे वो शादी अब नहीं होगी क्या मेरे बेटे तुम्हें अर्जुमन से शादी करनी है What? कैसा पर्दा किए बैठे हो कहाँ रह गए हो तुम दो घंटे का कहकर गए थे और अभी तक माँ बेटा वापस नहीं है डैड वो यहाँ एक सिचुएशन में फंस गए सिचुएशन कैसी सिचुएशन माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो उजाला तुमने देखा मोहसिन भाई को
सीरियसली यार, बहुत ज्यादा हैंडसम है। आज तो मैं मान गई, कुदरत अपने मौजूदे दिखाती है। चलो उठो मेरे साथ चलो, हम बाहर चल के देखते हैं। मुझे नहीं जाना। ओफो, बड़े इत्मीनान से कह रही हो। हाँ भाई, अब मोहसिन भाई आपके जो हैं, आपको क्या जरूरत है देखने की? कैसी बातें कर रही हो, चुप कर जाओ। What? Stupid nonsense! क्या बकवास है ये? मुझे तुमसे इस बेवकूफी की कतई तवक्को नहीं थी। उस पागल औरत को लेकर जल्दी पहुंचो होटल में। Just now! जी डार। मैंने तो सोचा था कि शायद मैं अपनी उजाला के चेहरे पर अब कभी हंसी खुशी देख ही नहीं सकूंगी, मगर मेरे रब ने बड़ा करम कर दिया। उसने मेरी दुआओं की लाज रख ली है जी आपा, और मुझे अपनी उजाला के सामने सारी जिंदगी की शर्मिंदगी से बचा लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे भी आपा। अल्लाह इसे हमेशा अपने शौहर के साथ खुश और आबाद रखे। आमीन आमीन। अच्छा अर्जुमन, मुझे अब चलना चाहिए। कल मैं तुम्हारे खालू के साथ आऊंगी और तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊंगी। मरियम, मैं तो कहती हूँ इम्तियाज भाई को फोन करके यहीं बुला लो। आपा, आप तो जानती हैं कि इम्तियाज को मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा मुझे। अर्जुमन, ये हमारे खानदानी कंगन है। एक मैं तुम्हें आज पहना रही हूं और दूसरा जब तुम मेरे घर में रुखसत होकर आओगी तब पहनाओगी। खाला, आने से पहले फोन कर दीजिएगा। अपनी उजाला की रुखसती के लिए कुछ ना कुछ तैयारी तो करेंगे ना। हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरी बहू का नंबर मुझे लिख कर दे दो, मैं मोहसिन की दुल्हन को ही इन्फॉर्म कर दूंगी। जी। आपा, कल इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। ठीक। मैं तो कह रहा था इधर ही रुक जाते, होटल में जाने की क्या जरूरत? आप फिकर ना करें काशिफ भाई, मैं डैड को खुद ले आऊँ। तुम क्यों लाओगे? मैं खुद लेने आ जाऊंगा। होटल का एड्रेस बताओ मुझे। मैं ले आऊंगा काशिफ भाई। अस्मा, कौन हो भाई तुम? ऐसे कैसे घुसते जा रहे हो अंदर? पहचाना नहीं? बराती है हम लोग। कौन बराती? पूछता है कौन है? बेगैरत आदमी, मेरे भाई से 5 लाख रुपया लेके अपनी बहन की शादी करने वाला था ना तू? पूछता है कौन हूं मैं? देखो कभी ठीक हो जाएगा, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। तू खुद बात करेगा? हैं? वाह, खुद बात करेगा भाई? तो हम यहां पे क्या चने बेचने के लिए आए हैं? रकम हमें अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी चाहिए? अगर बात 5 लाख रुपए की है तो वो आप कल मुझसे ले लीजिए। इन साहब की तारीफ? ये मेरे बहनों ही हैं। अपनी बहन की शादी की है मैंने इनसे। रकम कल मिल जानी चाहिए, तेरे कहने पे जा रहा हूं समझे? पैसे तैयार रखना, चलो आए। Thank you.
थैंक यू बेटा। मामा थैंक यू मुझे नहीं, अपने उस मदर कार्ड को कीजिए जिसको आप मशरकी औरतें हमेशा प्ले करती हैं और मुझ जैसे फर्मा बदार बेटे उसका शिकार हो जाते हैं। जैसा कि अब आपके डिसीजन और डैड की नाराजगी के बीच में सैंडविच बनने वाला हूँ। बेटा तुमने आज मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन आप डैड को अच्छी तरह से जानती हैं। आपने जो डिसीजन लिया है वो लाइटली नहीं ले। तुम्हारे डैड की नाराजगी तो हम हर रोज ही बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर हम आज तुम्हारी खाला के काम ना आते तो सारी जिंदगी अपने जमीर की अदालत में नादिम खड़े रहते हैं। अरे मामा वो ये खाला के घर का एटमॉस्फेयर कुछ अजीब सा नहीं है? आई मीन स्पेशली काशिफ भाई बहुत वियर्ड है। बेटा अब वो सिर्फ तुम्हारी खाला का घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल भी है। मामा मैं नहीं जानता कि ये जो कुछ हुआ है वो ठीक है या गलत, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ आपके लिए। आई नो बेटा। लीजिए आ गया होटल, डैड की क्लास के लिए तैयार हो जाए। गए तुम अपनी मां का मिशन पूरा करके, एक ही मुलाकात में उन घटिया लोगों की बातों में आ गए तुम। डैड, डैड सब लोग वहां पर बहुत परेशान थे, लड़की की बारात रुक गई थी तो मामा ने वही किया जो इन्हें ठीक लगा। तुम्हारी मामा को यही ठीक लगा इसलिए तुमने कर लिया, और थर्ड क्लास लोगों में तुमने शादी कर ली। खेल नहीं है शादी ब्याह। जानते हो कि उस लड़की की शादी क्यों टूटी? आखिर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। इतिहास प्लीज चुप, कुछ मत बोलना। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इससे पूछ लो। इस माहौल से दूर ले जाने के लिए तुम्हें मुल्क से बाहर ले गया मैं, जिंदगी भर उन लोगों से दूर रखा, और एक ही मुलाकात में तुम उनसे रिश्ता जोड़ के आ गए। I'm really sorry, dad. Trust me, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। Shut up! Just shut up! तुम उनसे मुलाकात करने गए थे या चॉइस अवेल करने? Sorry, dad. सॉरी कहने से कि सब ठीक हो जाएगा? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, कहीं गुस्से में ये भूल ना जाऊं कि मेरे सामने मेरी जवान औलाद खड़ी है, हाथ ना उठ जाए मेरा। जाओ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा खून मेरा बेटा इस हद तक गिर सकता है। काशिफ तुमने उजाला की कीमत लगाई। अरे कितनी मर्तबा बोलूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बकवास कर रहा था वो। अच्छा वो बकवास कर रहा था, और तुमने उसे ये क्यों कहा कि पैसे तुम कदीर को लौटाओगे? यार मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो हुआ है उस पर खुश होने की बजाय जो नहीं हुआ है उस पर मातम क्यों मना रहे हो? कल तक जिसके लिए मन्नतें मांग मांग कर दुआएं करती थी, आज जब वो आ गया है तो उस पर खुश होने की बजाय मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वो तो शुक्र करो कि मोहसिन आ गया, वरना तो मुझे उजाला को किसी और के साथ। वशिफ बकवास बंद कर। अच्छा अमीर कबीर बहन क्या मिल गई, मुझसे लड़ने की ताकत भी आ गई। तू खड़े खड़े क्या कर रही है, तमाशा देख रही है वहां पे? खाना नहीं देना क्या? आज तो देख का कोरमा खंगर रच के।
बोटियां जरा अच्छी सी डालियो। वाह कशिफ, तूने सही मौके से फायदा उठाया। अब वक्त आने पर इससे भी फायदा उठा लेना। अभी फिलहाल मोहसिन के जरिए खालू के माल में से अपना हक ले लो। इब्तियाज़ वो मैं और तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी ना? नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो, मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती हो तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? सारी जिंदगी मैंने तुम पर इसीलिए एतबार नहीं किया, जो जो आज तुमने किया है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। दिल तो चाहता है कि तुम्हें अभी तलाक देकर उन्हीं के पास भेज दूं, लेकिन अपने बेटे की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं। ये लीजिए मेरी प्यारी दुल्हन, खाना खा लो। भूख ही नहीं लग रही। अब क्या हो गया उजाला, अब किस बात का दुख है तुम्हें? काशिफ भाई की हरकत का क्या कहूँ, समझ नहीं आती। भाई भी भला ऐसे होते हैं। इसका मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जिस तरह तुम मान गई थी ना, जरूर इस बात के पीछे कोई बहुत बड़ा राज था जो तुमने छुपाया और कुर्बानी के लिए तैयार हो गई। अच्छा खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब तो दुल्हन को सिर्फ अपने दूल्हा के बारे में सोचना है, अपने हैंडसम हस्बैंड के बारे में। तुम्हें पता है मैं तो मोहसिन भाई से इतना मिली भी नहीं। कैसे मिलती, साये की तरह मेरे साथ छुती। तो दोस्ती का फर्ज भी तो निभाना था, और कल जैसे ही मौसम भाई तुम्हें फोन करेंगे ना, दूसरा फोन तुमने मुझे खड़काना है और सारी डिटेल्स बतानी है। उजाला मैडम कल रुखसती पर ना तुम दोनों की बहुत पिक्चर्स लेने वाली हूँ मैं, और जूते चुपाई की रस्म भी मैं करूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ही रुक जाओ। अगर मैं तुम्हारे पास रुक गई ना, तो पूरी रात मौसम भाई के कसीदे सुन सुन के ना खुद ही अपने आप को जेलस करती रहूंगी। तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो तो मैं जानती हूँ। अरे मैंने अरीब को फोन नहीं किया, भूल गई मैं बातों में। तुम खाना खाओ और खा लेना, मैं अरीब को फोन करके आ रही। सही, खाओ मैं देख रही हूँ। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बहू, माय फुट। कभी अपनी खाला और मियां से जिद ना करना, चाहे तुम सही भी क्यों ना हो। तुम्हें अपना कर उन्होंने हमारे साथ जो नेकी की है ना, और जो एहसान किया, उसका बदला तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। अम्मा ऐसा भी क्या कर दिया काशिफ भाई ने, अपनी बहन के साथ साथ अपनी भलाई का ही तो सोचा है।
और वो जो लड़के वाले जहेज के नाम पर ट्रक भर भर के चीजें समेटते हैं उसका। आइंदा उस घर का रुख मत करना, बड़ा भाई है ना तो भाई बन के रहे, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर।